मौजूद स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे। कांग्रेस की 5 राज्यों में चुनावी हार के बाद आज G23 ने एक मीटिंग रखी साउथ एवेन्यू 5 गुलाम नबी आज़ाद जी के घर पे। ये आज मीटिंग हुई थी, ये एक तरफ से एक डिनर मीटिंग थी जिसमें सभी नेताओं ने जो है डिनर किया। इस पूरी मीटिंग में कपिल सिब्बल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी, मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर जैसे अन्य लीडर इसमें शामिल हुए थे। इस पूरी मीटिंग में उन्होंने आगे की रणनीति को पे डिस्कस किया। करीबन 1.5 से 2 घंटे चलने वाली ये मीटिंग है, एक तरीके से डिनर था। उस मीटिंग के बाद G23 का जो पूरा समूह है उन्होंने एक फॉर्मल लेटर जो है वो डिक्लेयर किया जिसमें उन्होंने मिनट्स ऑफ द मीटिंग बताए और उन्होंने मुख्यतः इस चीज़ पे जोर दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जो सभी नेताओं को लेके साथ में चले और आगे की रणनीति डिसाइड करे। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि वो खुद चाहती है कि कांग्रेस बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है, तो बेहतर यह होगा कि एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स जो है यहाँ पे की जाए। सब बढ़िया गपशप हो रही है। किस बात पे गपशप हो रही है सर? हम लोग ने हमने जल्दी से खाना खाया और हमको किसी और डिनर में जाना था, वहाँ जा रहे हैं। गपशप क्या हो रही है सर? गपशप क्या हो रही है? सब आपस में बैठे पुराने लोग हैं, मित्र लोग हैं, बातचीत। सर माना जा रहा है कांग्रेस में बगावत हो रही है? कोई बगावत नहीं है, कुछ कोई बगावत नहीं है। सब मित्र लोग बैठ के गपशप कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। सर चर्चा चल रही है सर, उस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन G23 और कोई जरूरत नहीं, कोई G23 आप लोगों का कहना है, ये तो सब मित्र लोग हैं। कब तक चलेगी मीटिंग सर? मैं तो जल्दी मैं आया क्योंकि मेरे को न्योता भी चल रहा था, मैं मिलकर जा रहा हूँ। सर ये डिनर दिया क्यों गया था? सर डिनर दिया क्यों गया था सर? ये मीटिंग देखने में देखना होगा कि किस प्रकार से क्या ये मीटिंग आगे कांग्रेस की जो पूरी राजनीति है उसको तय करेगी। क्या CWC इन जो एडवाइज है जो उनकी तरफ से उन पर क्या वो अमल करेगा, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। दिल्ली से मैं अमित पांडे, मोजो स्टोरी। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू मोजो स्टोरी एंड सपोर्ट्स इंडिपेंडेंट रोबस्ट जर्नलिज्म।